नमस्कार, मैं हूं नीरज कुमार और आप देख रहे हैं मोबाइल न्यूज 24। वक्त हो गया है दिन भर के बड़ी खबरों का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज राजस्थान के कोटपुतली में विजय शंखनाद रैली को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने राजस्थान के लोगों से कहा कि यह उत्साह 4 जून का संकेत दे रहा है। राजस्थान के लोग हमेशा देश की मजबूती के लिए खड़े रहे हैं और जयपुर का जलवा तो कुछ दिन पहले जब फ्रांस के राष्ट्रपति यहाँ आए थे तब पूरी दुनिया ने देखा था। दिल्ली शराब घोटाला मामले में आरोपी आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है, जहां कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय से पूछा था कि क्या संजय सिंह की जमानत का विरोध करते हैं, तो ईडी ने उनके जमानत का विरोध नहीं किया, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दे दिया है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल दिल्ली शराब नीति मामले में ईडी द्वारा गिरफ्तारी के साथ ही सीएम पद को छोड़ने के लिए नैतिक दबाव का सामना कर रहे हैं, जहां सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज ने केजरीवाल को लेकर कहा कि सार्वजनिक नैतिकता की मांग है कि उन्हें मुख्यमंत्री पद छोड़ देना चाहिए। वरिष्ठ कांग्रेसी नेता सांसद मनीष तिवारी ने अरुणाचल प्रदेश में 30 स्थानों के नाम बदले जाने वाले चीन के दावों को लेकर बीजेपी पर निशाना साधा। तिवारी ने विदेश मंत्री एस जयशंकर के बयान पर टिप्पणी करते हुए कहा कि इतनी कमजोर और लचीली प्रक्रिया भारत सरकार और उनके विदेश मंत्री को शोभा नहीं देती। वहीं पत्रकारों से बातचीत करते हुए विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि नाम बदलने से कुछ नहीं हासिल होगा, अगर मैं आपके घर का नाम बदल दूं तो क्या वह मेरा हो जाएगा। ईवीएम की वीवीपैट की पर्चियों की पूरी गिनती की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल किया गया है, जहां सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और चुनाव आयोग से जवाब मांगा है। अब इस मामले में 17 मई को अगली सुनवाई होगी। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच एक बार फिर से मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ में 9 नक्सली मारे गए हैं, इसके अलावा कई घायल हुए हैं। बता दें कि सुरक्षा बलों की टीम बीजापुर जिले में नक्सली प्रभावित क्षेत्र गंगालूर में निकली थी, जहां इस दौरान उनकी नक्सलियों से मुठभेड़ हो गई। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक इस न्यूज़ को लाइक और कमेंट नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक और कमेंट कर दीजिए, क्योंकि आपके लाइक और कमेंट का मैं कब से इंतजार कर रहा हूँ। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने तूफान प्रभावित 3 प्रदेशों बंगाल, असम और मणिपुर के मुख्यमंत्री से बातचीत की और यथासंभव मदद करने का भरोसा दिया। भारत की चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने सोमवार को सीबीआई के स्थापना दिवस पर नए आपराधिक कानूनों की जमकर तारीफ की। सीजेआई ने कहा कि संसद द्वारा हाल ही में अधिनियमित नए आपराधिक कानूनों में वास्तविक अपराध प्रक्रिया और सबूत शामिल हैं। इन कानूनों का उद्देश्य आपराधिक प्रक्रिया के विभिन्न पहलुओं को डिजिटल बनाना है। उन्होंने कहा कि यह न्याय प्रणाली को आधुनिक बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम होगा। उत्तर प्रदेश कांग्रेस के मीडिया प्रभारी सीपी राय ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर किया, जिसमें उन्होंने साफ कहा कि यूपी में कांग्रेस बर्बाद होती चली जा रही है, लेकिन किसी की भी जिम्मेदारी तय नहीं की गई है। हालांकि उन्होंने बाद में इस पोस्ट को डिलीट कर दिया। बिहार की पूर्णिया लोकसभा सीट पर अपनी दावेदारी ठोकने वाले पप्पू यादव चुनाव लड़ने की जिद पर अड़े हुए हैं, जहां पप्पू यादव ने साफ कर दिया है कि वो 4 तारीख को नामांकन दाखिल करेंगे। दिल्ली के सदर बाजार इलाके में आग लगने से 2 लोगों की मौत हो गई है, जहां दिल्ली पुलिस को इसकी सूचना मिलने के बाद फायर ब्रिगेड टीम के साथ पुलिस टीम पहुंची। दिल्ली की रॉज एवेन्यू कोर्ट में मंगलवार को आबकारी नीति घोटाला मामले में दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की दलीलें सुनी। सिसोदिया दिल्ली आबकारी नीति घोटाला में जुड़े ईडी के मनी लॉन्ड्रिंग और सीबीआई के भ्रष्टाचार मामले में आरोपी हैं। उनके वकील मोहित माथुर ने कोर्ट में कहा कि जाँच पूरी हो चुकी है, जहाँ 11 महीने के बाद भी एजेंसी यह नहीं तय कर पाई है कि कथित रिश्वत की रकम मनीष सिसोदिया तक पहुँची या नहीं। शराब घोटाला मामले में सुप्रीम कोर्ट ने आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह को जमानत दे दी है। वहीं इसको लेकर पंजाब के सीएम भगवंत मान ने ट्वीट कर तंज कसते हुए कहा है कि सच की हमेशा जीत होती है, संजय सिंह को जमानत मिल गई है, सच दफन हो सकता है लेकिन सच कभी मरता नहीं है, इनकलाब जिंदाबाद।
कांग्रेसी नेता दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने भाजपा और पूर्व की गठबंधन जजपा पर एक के बाद एक निशाना साधा। इस दौरान उन्होंने बीजेपी को चुनौती दी और कहा कि दम है तो चुनाव मैदान में आइए। कांग्रेस नेता ने दावा करते हुए कहा कि बीजेपी ने रोहतक की सीट छोड़नी चाहिए और यहां से जेजेपी को लड़ाना चाहा, तो जेजेपी ने रोहतक का नाम सुनकर गठबंधन ही छोड़ दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तराखंड के रुद्रपुर में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कहा कि उनके तीसरे कार्यकाल में भ्रष्टाचार पर और अधिक प्रहार होंगे और लोगों के जीवन को बेहतर करने के लिए बड़े फैसले लिए जाएंगे। चुनाव आयोग ने लोकसभा चुनाव के लिए पहली बड़ी कार्रवाई की है। दरअसल चुनाव आयोग ने देवघर एसपी अजीत पीटर डुंगडू को हटा दिया है। जानकारी के मुताबिक देवघर एसपी को हटाए जाने का आदेश सरकार को भेजा गया था। वहीं नए एसपी के लिए राज्य सरकार से पैनल मांगा गया है। छत्तीसगढ़ में आम आदमी पार्टी को लगा बड़ा झटका, जहाँ आपके प्रदेश अध्यक्ष कोमल हुपेंडी बीजेपी में शामिल हो गए। मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव ने बालाघाट के जिला पुलिस बल और हॉक फोर्स के जवानों को बधाई दी है, जहां उन्होंने कहा कि जवानों की मुस्तैदी के कारण पुलिस की एक अलग साख बनी है। हिमाचल प्रदेश के ठियोग विधानसभा क्षेत्र से इंदु वर्मा की भाजपा में वापसी के अवसर पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल ने कहा कि सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व वाली सरकार इस समय वेंटिलेटर पर चल रही है। डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी के अध्यक्ष गुलाम नबी आजाद अनंतनाग रजौरी संसदीय सीट से चुनाव लड़ने वाले हैं। बता दें कि सीट पर चुनाव तीसरे चरण में 7 मई को होगी। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने जलपाईगुड़ी में आदिवासी समूह के लोगों से मुलाकात की, जहां बनर्जी ने इस दौरान उन लोगों के साथ डांस भी किया। लोकसभा चुनाव के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह महाराष्ट्र में प्रचार का बुगुल बजाएंगे, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहली सभा 10 अप्रैल को होगी। वहीं अमित शाह विदर्भ से अपना अभियान शुरू करेंगे। गुजरात के भावनगर जिले में बड़ा हादसा हो गया, जहां स्टील फैक्ट्री के बॉयलर फटने से 2 लोगों की मौत हो गई और एक अन्य घायल हो गया। अगर आप डायबिटीज के मरीज हैं तो तरबूज के बीज आपके लिए काफ़ी फायदेमंद साबित हो सकता है। तरबूज के बीज का सेवन करने से डायबिटीज को कंट्रोल करने में मदद मिलता है। साथ ही अगर आप बढ़ती उम्र में भी जवां दिखना चाहते हैं तो तरबूज के बीज का बढ़िया सेवन करें, क्योंकि तरबूज के बीज में अनसेचुरेटेड फैटी एसिड होता है और इसका एक समृद्ध स्रोत होता है जो त्वचा को जवां बनाए रखने में मदद करता है। AAI में जूनियर एग्जीक्यूटिव के 490 पदों पर भर्ती निकली है। उम्मीदवार 1 मई तक ऑफिशियल वेबसाइट aai.aero पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। दोस्तों, मैं देख पा रहा हूँ कि आप में से बहुत सारे लोगों ने न्यूज़ को लाइक किया है और कमेंट भी किया है, लेकिन अभी भी कुछ लोग बाकी हैं जिन्होंने कमेंट नहीं किया है। उनसे भी आग्रह है कि प्लीज़ वे भी न्यूज़ को लाइक कर दें, कमेंट कर दें, साथ में शेयर भी कर दें। तो ये थी आज दिन भर की बड़ी खबरें। ऐसे ही खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल को दबाइए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि आप और आपके जानने वाले रह सकें देश और दुनिया के तमाम खबरों से अपडेट।